नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं हमेशा की तरह धन्यवाद देना चाहूंगी अपने श्रोताओं का, अपने दर्शकों का, जो मेरे साथ मेरी इस रामचंद्र शुक्ल जी की यात्रा पर निकले हैं। और अब ये जो यात्रा है अपनी मंजिल के करीब है, धीरे धीरे अब पुस्तक समाप्ति की ओर बढ़ रही। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे जो अंग्रेजी साहित्य से हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद आया है, आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हो, उसे भी देखकर समझ लेना चाहिए कि रीति काल के अंत में या तो भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थिति थी वह कहां तक इंग्लैंड की परिस्थिति के अनुरूप। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन, जो प्राचीन रोमियो की भाषा है, वो रही थी। फ्रांसीसियों के प्रभाव से इंग्लैंड की काव्य रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढ़ियो में जकड़ी जाने लगी। उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा था। बंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु वर्णन की रूढ़ियां, छंदों की व्यवस्था सब ज्यों की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से इतना आच्छन्न हो गया कि देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया। जैसे काऊ पर क्रेव और बर्न ने काव्य धारा को साधारण जनता की नाद रुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों तथा लोक हृदय के ढलाव की नाना मार्मिक अंतर ढूंढने में डाला। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, शुक्ल जी कह रहे थे कि यदि कोई भी काव्य, कोई भी साहित्य बहुत दिनों तक उसी परंपरागत रूढ़ियों में बंधा हुआ चला जाता है तो उत्तरोत्तर वो का जो साहित्य होता है वो नीरस होने लगता है। और फिर उसको सजीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको जनसाधारण से, लोक जीवन से जोड़ना होता है। वो जितना भारत के लिए सत्य था उतना ही यहाँ पर इंग्लैंड की परिस्थितियों में भी सत्य थी, क्योंकि लैटिन वहां की परंपरागत भाषा थी, प्राचीन रोमियो की भाषा थी। तो लैटिन भाषा और उसकी शैली का अनुकरण करते करते वहां का काव्य भी इतनी ज्यादा रूढ़ियों से लद गया था कि अपनी स्वाभाविक भावधारा से अलग हो गया था। तब काउपर, क्रेव और बर्न्स ने उस काव्य धारा को साधारण जनता की रुचि के हिसाब से मोड़ा। अंग्रेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्व रूप से तो बहुत अलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि लैटिन, जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यवनानी ढांचे पर हुआ था, इंग्लैंड के लिए दूर देश की भाषा थी, वहां की अपनी भाषा तो थी नहीं इंग्लैंड के लिए। अतः उनका साहित्य भी वहां के निवासियों के अपने चिर संचित संस्कार और भाव व्यंजना पद्धति से दूर पड़ता था। भाषा भी दूर थी, संस्कार भी उसके उनको दूर जान पड़ते थे, क्योंकि उनके लिए जो लैटिन भाषा थी वो उनकी अपनी भाषा नहीं। पर हमारे साहित्य में रीतिकाल में की जो रूढ़ियां हैं वो किसी और देश की नहीं है, उनका विकास किसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में। अंतर देखिए, इंग्लैंड में जो रूढ़ियां आई वो उनके लिए विदेशी भाषा थी, बाहर की भाषा थी लैटिन। लेकिन यदि उन्हीं को भारत की परिस्थितियों में हम देखने और समझने की कोशिश करें तो जो भारत का साहित्य था, हमारा साहित्य था, और जो रीतिकाल की रूढ़ियां थी किसी दूसरे देश से आई हुई नहीं थी, वो संस्कृत भाषा से ली हुई, हमारी ही परंपरागत साहित्य से ली हुई थी। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है। पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने
और कुछ बंधा जानने के कारण जन साधारण की भाव वही वाक्यधारा से कुछ हटा सा लगता है। भाषा तो हमारी थी, शैली भी हमारी थी, हमारी ही बनाई रूढ़ियां थी, लेकिन वो लगातार पंडितों और विद्वानों ने उसको क्योंकि स्वीकार किया और उसको एक पद्धति में बांध दिया। अब जब कोई चीज एक पद्धति में लिमिट में बंध जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो उसकी भावमयी वाक्यधारा होती है उससे थोड़ा दूर हो जाती है। पर एक ही देश और एक ही जाति के बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं। भले ही रूढ़ियों में बंध गई हो, लेकिन क्योंकि वो एक ही देश और एक ही जाति के लोगों से संबद्ध थी, देश से संबद्ध थी, तो यदि मौलिक रूप से देखा जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर मात्र इतना था कि उसको कुछ अपनी बंधी परंपराओं को छोड़ के जनता की लोक जीवन के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करना। अतः हमारे वर्तमान काव्य क्षेत्र यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्राकृत पद्धति पर अर्थात परंपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्म स्थल की शक्ति लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही काव्य धारा परंपरा होती, अधिक सजीव और स्वच्छंद की होती अपनी ही, लेकिन अधिक सजीव होती, अधिक स्वच्छंद होती। रीतिकाल के भीतर हम दिखा चुके हैं इस प्रकार रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में रचना होने से कुछ छंदों की परिपाटी में बंधा जाने से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी, क्योंकि आपको पता है आपने रीतिकाल देखा और पढ़ा, उसमें जो भी रचनाएं होती थी वो रसों और अलंकारों के पहले उनको समझाया जाता था, फिर उनके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे, तो उन्हीं कुछ छंदों की परिपाटी में बंध गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। ये अभी पिछले वीडियो में ही हमने बात की थी कि भारतेंदु जी ने काव्यधारा को नए नए विषयों की ओर तो जोड़ा, नए नए विषयों से उसको जोड़ा, लेकिन भाषा उन्होंने ब्रजभाषा ही रखी। पर ब्रजभाषा ही रहने दी गई और पद्य के ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि की स्वच्छंदता के दर्शन नहीं, ये कहीं ना कहीं वो परंपरा में ही रहते। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पहल श्रीधर पाठक ने ही किया दिया। किसने दिया? श्रीधर पाठक ने। ये प्रश्न पूछा जाता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो स्वच्छंदता का आभास हमें मिला वो पहले पहल किसमें मिला? श्रीधर पाठक। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। रूढ़ियों में बंधे हुए रूप को उन्होंने मात्र जो किताबों में जो उपमाएं दी गई थी उसको छोड़कर उन्होंने स्वयं निरीक्षण भी किए। गुणवंत हेमंत में वे गांवों में उपजने वाली मूली मटर ऐसी वस्तुओं को भी मूली मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाते। बहुत ही साधारण सी चीजों को जो परंपरागत साहित्य में हमें देखने को नहीं मिले, जो परंपरागत ऋतु वर्णनों के भीतर दिखाई नहीं पड़ती, इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी की बौछार भी सहनी पड़ी थी। बौछार मतलब आलोचना। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के कई नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों की सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागनी से गाना दूसरी बात। ख्याल या लावनी की लय पर जैसे एकांतवास योगी लिखा गया, वैसे ही सुथरे साईयों के साधुकड़ी ढंग से जगत सच्चाई सार भी जिसमें कहा गया है, जगत है सच्चा, तनिक न सच कच्चा, समझो बच्चा इसका।
ये किसके लिए पंक्तियां हैं? जगत सच्चाई सार, श्रीधर पाठक जी। स्वर्गीय वीणा में उन्होंने परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया, जिसे सुर ताल सुर पर ये सारा विश्व नाचता। इन सब बातों का विचार करने पर पंडित श्रीधर पाठक की सच्चे स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिज्म के प्रवर्तक कहते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक शुक्ल जी ने किसे माना है? तो पंडित श्रीधर पाठक जी। कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय युग में जो कविताएं लिखी गई वो सिर्फ नए नए विषयों को लेकर मौलिकता उनमें दिखती थी, बाकी चीजों को लेकर नहीं। ये मौलिकता श्रीधर पाठक जी अपनी कविताओं में लेकर आए, इसीलिए शुक्ल जी उन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते। खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता का ये मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के बीच चल ना पाए। बात यह है कि उस समय पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। हिंदी में परंपरा से व्यवहित छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्तिकाल और रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान बढ़ा। भक्तिकाल और रीतिकाल से और पीछे जाकर उसकी परिपाटी न ग्रहण करके इस समय के लोगों ने और पीछे जाकर संस्कृत की पदावलियों का समावेश अपने लेखन में बढ़ाया। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इतिवृत्तात्मक मतलब मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों का खड़ी बोली में घेर लगने लगा। यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात। हमने किसकी बात की? द्वितीय उत्थान के भीतर की। द्विवेदी जी ने आकर क्या किया? इसमें बहुत सारे मैटर ऑफ फैक्ट डाल दिए, यानी कितनी प्रत्यात्मकता बढ़ा दी। द्विवेदी काल की जो भी आपसे जब विशेषता पूछी जाती है तो ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस काल में जो था वो इतिवृत्तात्मकता थी। आगे चलकर अब बात करें तृतीय उत्थान की, तो आगे चलकर तृतीय उत्थान में परिस्थितियों के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई वह भी स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर ना बढ़ने पाई। बीच में रविंद्र बाबू की गीतांजलि की धूम आ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन के इच्छुक नए कवियों में से कुछ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं की रूपरेखा लाने लगे और कुछ लोग पाश्चात्य पद्धति को विश्व साहित्य का लक्षण समझ उसका अनुसरण करने में तत्पर। उन्होंने पाश्चात्य काव्यता पद्धति को ही पूरे विश्व की कविताओं के लिए लक्षण समझ। परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ की रीतिकाल की रूढ़ियों और द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता से छूट बहुत सी हिंदी कविताएं विदेश की अनुकृति रूढ़ियों और वादों में जा फंसी। इधर अपने से छूटी और कहाँ जा फंसी? विदेशी रूढ़ियों और वादों। इन्हें गिने गिनाए कवि ही स्वच्छंद, इससे क्या हुआ? गिने नए कवि ही स्वच्छंदता की माहिक और स्वाभाविक पर चल पड़े, चल सके। चलिए उन कवियों को भी देख लेते हैं। जैसा कि शुक्ल जी ने प्रवर्तक ही पंडित श्रीधर पाठक को माना है, उन्हीं से शुरुआत होगी। पंडित श्रीधर पाठक एकांतवास योगी के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। खड़ी बोली में इनकी दूसरी पुस्तक श्रांत पथिक गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद, इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में
दोनों बोलियों के मध्य रख देते थे, खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे। उजड़ ग्राम इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण, ध्यान रखिएगा, श्रीधर पाठक जी को अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान, अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। बहुत खास पंक्ति है ये, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। शब्द शोधन में किसको अद्वितीय बताया है स्पीच, पाठक जी। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी, वैसी ही कोमल और मधुर संस्कृत पर विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली भावों और सुरुचि संपन्न कवि। भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत मधुर लय पर चलते थे। यह छंद देखिए। नाना कृपान निज पानी लिए विपुनील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान किए, छकि पारी जात मधुपान किए, छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर मन आकृति कोर झुकावत, यह मोर नचावत सोर मचावत, श्वेत श्वेत पग पाती उड़ावत। नंदन प्रसून मकरंद बिंद मिश्रित समीर वन धीर चलावे, अंत्यानुप्रास रहित बेठ गाने से समाप्त होने वाले गद्य के लंबे लंबे वाक्य के भी छंद इन्होंने लिखे हैं। सांध्य आटन का ये छंद देखिए। और इस तरह के छंद किसमें होते हैं, इंग्लिश में, यानी अंग्रेजी में किस तरह के छंद होते हैं, अंत्यानुप्रास रहित बेठिकाने समाप्त होने वाले, मतलब अंत के शब्दों में जिनमें लय नहीं है। ये पंक्ति अक्सर पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा रचित है, ध्यान से देखिएगा। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजन का उदय, प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि प्योम की ओर था आ रहा, सत्य उत्फुल्ल अरविंद नभ नील सुभि, साल नभ वक्ष पर जा रहा था चढ़ा, विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की ओर रहस्यपूर्ण संगीत स्वर्गीय वीणा की पंक्तियों में दिखी। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंच वीणा बजा रही, सुरों के संगीत की किसी कैसी सुरीली गुंजार आ रही, कोई पुरंदर की है, कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है, वियोग तप्ता सी भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही, कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन कभी विनय है, दया है दक्षिण का उदय है, अनेकों बानक बना रही, भरे गगन में है जितने तारे, हुए हैं मदमस्त गत पे सारे, समस्त ब्रह्मांड को मानो तो उंगलियों पे, समस्त ब्रह्मांड भर को मानो तो उंगलियों पे नचा रहे। यह कह आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांत दासी होगी, इन्होंने लाभी या ख्याल ढंग पर लिखी थी। एकांतवास योगी किस ढंग पे लिखी गई, लाभनी या ख्याल ढंग पे।
पीछे खड़ी बोली को ये हिंदी के प्रचलित छंदों में लाए। श्रांत पथिक की रचना इन्होंने रोला छंद में लिखी। इससे आगे भी ये बढ़ी और ये दिखा दिया कि समैया में भी खड़ी बोली की कैसी मधुरता के साथ ढल सकती। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था। जग तत्व की खोज में लग्न जहां ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। तब प्राकृत विश्व का विभ्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था। महिमा वनवास की थी तब और प्रभाव पर पवित्र अनुपम था। पाठक जी की कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे। समाज सुधार के वे बड़े आकांक्षी। इससे कविता विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रसार, ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे वे ना सफल हुए हों, अभिव्यंजना और वाक्य वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे ना रहा हो, पर गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी भी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था जो उस बात के द्वारा प्रकट की जाती थी तो उसमें सरसता आ जाती। बड़ी बात सुखदेव जी कह रहे हैं श्रीधर पाठक जी के लिए कि भले ही वो विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप ना दे पाए, अभिव्यंजना के वाक्य वैचित्र में उनका शायद ध्यान कम गया हो, गंभीर नूतन विचारधारा के लिए शायद उनको कम उनके कविताओं के भीतर कम मिले, लेकिन उनकी वाणी में ऐसा कुछ प्रसाद था, ऐसा कुछ ईश्वर का प्रसाद था कि जो भी बात वो अपनी वाणी से प्रकट करते थे उसमें अपने आप से सरसता आ जाती। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि उनकी ये उपासना प्रकृति की उन्हीं रूपों में परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंद प्रद होते हैं, जो भव्य और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आंखों के सामने आने वाले देश के परंपरागत जीवन से संबंध रहने वाले दृश्यों की मधुरता की ओर की दृष्टि कम रहती। श्रीधर पाठक जी का जन्म संवत 1916 में और मृत्यु 1950 में। अब बात करते हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जाने। भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय नए विषयों की ओर चल पड़े। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह से मंच चुकी। संवत 1957 के पहले वे बहुत से पुटकल रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर भी चुके। नागरी प्रचारणी सभागृह प्रवेशोत्सव के समय, जब नागरी प्रचारणी सभागृह का प्रवेशोत्सव हुआ उस समय संवत 1957 में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी उसके ये चरण मुझे अब तक याद। शुक्ल जी उन चरणों को कविता के याद करते हुए देखिए कह रहे हैं। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है बड़ा मैदान कोसों का अभी। मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। ठीक है, इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संबंधी पटुता उसे दो हदों तक पहुंचा कर दिखा चुके थे, उस शैली की ओर भी बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ प्रकाशित।
चिकोतों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। उक्त काव्य में मतलब प्रिय प्रवास की बात कर रहे हैं। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। इसकी बड़ी भारी विशेषता यह है, इस काव्य की यह है कि सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में, ये पूरा महाकाव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों में, ध्यान रखिएगा। इसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम, मतलब क्योंकि ये पूरा जो प्रिय प्रवास है ये संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना बड़ा कठिन काम होता है। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंज मंजुल पेशल आदि के बीच बीच में जटिल अर्थात चुना हुआ होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना में बस इस बात में साफ अलग दिखाई देती है। यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं द्विवेदी जी और उनकी जो अनुयायी हैं, उनसे उपाध्याय जी की रचना किस बात में अलग है। उनकी इस बात में अलग है कि जो इनके पद विन्यास होते हैं वो अनेक उपसर्गों से लदे हुए होते हैं और मंज मंजुल पेशल आदि से बीच बीच में क्या होती है, इनकी कविताएं जटिल हो जाती है। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग में बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्याय जी उस पर आए पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। इस प्रकार की रचना को हद पर, चाहे उस हद तक ले जाना अधिकतर लोगों को इष्ट ना हो, पहुंचा कर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। मतलब इतना अधिक इन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है कि यदि आप उसमें हिंदी के शब्द ढूंढे तो आपको कौन कौन से ज्यादातर था, है, किया, दिया यही क्रियाएं मात्र ही मिलेंगी, बाकी सर्वत्र संस्कृत ही नजर आई। पर सर्वत्र ये बात नहीं है, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल में चलती दिखाई दे। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतर दशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती, जैसा कि इनके नाम से प्रकट है। कथा वस्तु एक महाकाव्य या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है, है ना। प्रिय प्रवास जो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसका जो कथा वस्तु है, महाकाव्य छोड़िए प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ से आ सकते हैं, जब कथा वस्तु ही अपर्याप्त है तो प्रबंध काव्य के सारे अवयव उसमें कहाँ से आ सकते हैं। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहां तक विस्तार हो सकता है किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनाने के समान, इसी से शायद करील का नाम छूट गया है। दो प्रकार के नमूने उद्धृत कर हम आगे बढ़ते। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलका राकेन्द्र बिंबना, ये पंक्ति अधिकतर पूछ ली जाती है। तनभंगी कल हासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला उत्ताली, शोभा बारीद की अमूल्य मणिषी लावड़े लीला मई, श्री राधा मृदुभाषिणी मृग दृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। एक और देखते हैं। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ कूपे, आई दोसा फिर गत हुई दूसरा बार आया,
यो ही बीती विपुल घटिका और कई बार बीते, आया कोई ना मधुर कोसे और न गोपाल आए। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका महावरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा के में अनेक उत्कल विषयों पर इन्होंने कविताएं रची, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संग्रह शौखे चौबदे संवत 1981 में निकला, पद्य पशुन 1982 में। भाषा दोनों प्रकार की है, बोलचाल की भी और साहित्य की। मुहावरों के नमूने के लिए चौखे चौबदे का एक पद्य दिया जा रहा है। देखते हैं चौखे चौबदे का एक पद्य पूछा जाता है। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। भाषा के दो नमूने ऊपर दिए हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी विशेषता है। ध्यान रखिएगा, द्विकलात्मक कला किसकी बड़ी विशेषता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, हरिओध जी। इसमें शब्द भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काव्य है वैदेही वनवास, जिसे बहुत दिनों से ये लिखते चले आ रहे हैं, अब छप रहा है। मतलब शुक्ल जी ने जब ये पुस्तक लिखी, तब हरिओध जी का वैदेही वनवास छप रहा। ठीक है, आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात तो सुननी बहुत जरूरी है। इनको हम अपने अगले वीडियो में सुनेंगे। आपने धैर्य पूर्वक वीडियो सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख, सुनने में कई बार बोझिल जरूर लगता होगा, लेकिन ये कड़वी औषधि के समान आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा, इतना मुझे पता है। आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक किया करिए, लाइक बहुत कम हो। अच्छा नहीं लगता है तो बताइए मेरे। ठीक है, साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।